नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। अफगानिस्तान में तालिबानी युग की वापसी हो गई है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान ने कब्जा किया है, देश में खलबली मची हुई है। पिछले 24 घंटे में यहां सर्वाधिक हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में अफगानिस्तान के हजारों लोग दूसरे देशों में भागकर शरण लेने की कोशिश में जुट गए हैं। तालिबान के काबिज होने के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे, लेकिन वो अकेले नहीं भागे। वो अपने साथ अच्छा खासा रुपया पैसा बटोर कर ले गए। काबुल में रूसी दूतावास ने कहा कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी 4 कारों और नकदी से भरा एक हेलीकॉप्टर लेकर देश से भाग गए हैं और उन्हें कुछ पैसे वहीं छोड़ने पड़े क्योंकि ये फिट नहीं हो रहे थे। ये जानकारी रूस की समाचार एजेंसी RIA की ओर से दी गई। तालिबान ने यह दावा किया था कि उसे काबुल एयरपोर्ट पर काफ़ी कैश मिला है। दावा किया गया था कि ये $50 लाख के करीब है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल अशरफ गनी कहाँ है ये किसी को भी मालूम नहीं है। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो ओमान पहुंच गए हैं और उन्हें तजाकिस्तान और कजाकिस्तान ने अपने देश में आने की अनुमति नहीं दी है। कहा जा रहा है कि वो ओमान होते हुए अमेरिका निकलने की तैयारी में है। अफगानिस्तान छोड़ने से ठीक पहले एक लंबी फेसबुक पोस्ट पर गनी ने रविवार को कहा था कि वो रक्तचाप से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गनी ने कहा था कि यदि वो यहाँ बने रहेंगे तो उनके समर्थक भी सड़कों पर आएंगे और तालिबान के हिंसक रवैये के चलते खून खराबा होगा। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एंट्री मारी। काबुल की तस्वीरों में तालिबानी नेताओं को राष्ट्रपति भवन में देखा गया, जहां से कभी गाजी सरकार दिन प्रतिदिन के मामलों को अंजाम देती थी। महज 22 दिनों में ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमा लिया। इससे अमेरिका के संरक्षण में तैयार 3 लाख सैनिकों की अफगान सेना को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसने एक के बाद एक तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।